वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण काल के चलते केंद्रीय आयुष मंत्रालय के निर्देशन में लखनऊ आयुष विभाग द्वारा आज लखनऊ सिविल कोर्ट में न्यायाधीशों एवं बाबुओं को जीवन अमृत योजना अंतर्गत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवा का वितरण किया गया। विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा जिले में लगभग सभी जगह इस दवाई का वितरण किया जा रहा है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेस मास्क पहनने संबंधी जागरूकता का प्रसार भी किया जा रहा है। ज्ञात हो कि सिवनी जिले में कोरोना के 2 पॉजिटिव संक्रमित मरीज पाए गए थे, जिसमें से पहला संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर भेजा जा चुका है। वर्तमान में अब एक कोरोना संक्रमित मरीज है जिसका भी स्वास्थ्य स्थिर है। लखनऊ से सुदीप तिवारी की रिपोर्ट। अमृत योजना के तहत त्रिकटु चूर काढ़ा दिया जा रहा है जो कि सराहनीय है। डॉक्टर साहब जो है गुर्देकर साहब हैं, उनके द्वारा जो है आज कोर्ट में सभी लोग काढ़ा दिया गया जो कि उनका कार्य सराहनीय है। और मुझसे मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि साबुन से हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें। ये त्रिकटु चूर्ण है, इसका जो है 1 ग्राम यानी 1 चम्मच यानी 5 ग्राम तक 1 लीटर पानी में डाल के जो तुलसी के 4-5 पत्ते और इनको अच्छे तरह उबालें और उसके बाद थोड़ा बच जाए तो गरम-गरम ही सिप सिप करके जो चाय के जैसे पीना है। और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है लोगों को। और डॉक्टर यशवंत माथुर जिला अधिकारी हैं, उनके निर्देशन अनुसार सब लोग पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में 2 महीने से ये काढ़ा वितरित किया जा रहा है और हमारे डॉक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम बहुत मेहनत कर रही है और आज इसी तारतम्य में हम कोर्ट लखनऊ में ये काढ़ा वितरण कर रहे हैं। ये आयुष मंत्रालय द्वारा जो त्रिकुटी चूर्ण दिया जा रहा है आज कोर्ट परिसर में सभी लोगों को वितरण किया गया है। न्यायिक अधिकारी कर्मचारी और हम लोगों को भी दिया गया है। ये आयुष मंत्रालय द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य है और उससे लगी जो टीम है, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और हम लोगों द्वारा पक्षकार तो नहीं आ रहे हैं अभी, ऐसा कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट द्वारा निर्देश दिया गया है। ऑनलाइन ही सब लोग काम कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है।